सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो दोस्तों कुछ दिनों से, मतलब 2-4 दिनों से हो रही है मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब। और अभी मैं सुबह के टाइम पे आई थी रसोई में चाय बनाने, तो मन कर रहा था थोड़ी सी चाय पीने को। तो बच्चों को भी परेशान करना अच्छा होता है सुबह, क्योंकि वो रात भर पढ़ता है और फिर सुबह के टाइम पर मैं अपना काम बता दूं तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। और रसोई में देखा तो चीनी वगैरह सारी मतलब ख़त्म हो रही थी डिब्बे में पलटी। और अब बनाने लगी हूँ मैं चाय। तो देखिए चाय देखते देखते रखते रखते देख रही थी कि कैमरा सेट हुआ है नहीं हुआ है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कभी कभी हम खाना जो काम करने वाले होते हैं ना वो कर चुके होते हैं और हम कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, और इसी वजह से बार बार ये देखना पड़ता। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्पेस ख़त्म हो जाता है वीडियो के लिए, तो भी मतलब कैमरा अपने आप से ही बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और मैं बना रही थी यहाँ पे चाय। चाय में डाल रही हूँ काली मिर्च, क्योंकि अदरक की चाय भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो इसीलिए काली मिर्च की चाय बना रही हूँ। दोस्तों बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी सी ये बात की हो रही थी कि सिर में दर्द बहुत बना हुआ है, बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है। और यहाँ डाल रही थी मैं चाय में चीनी और पत्ती, सभी कुछ सभी काम मुझे करने में ऐसा लग रहा था कि फटाफट से इसे कर लूँ और फिर जाके लेट जाऊँ। और ना बस ये कि अगर नींद आ रही थी तो फिर नींद ही आए चली जा रही थी, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि पूरा दिन मुझे ऐसे पता भी नहीं चल पा रहा था कि कहाँ जा रहा है। 2-3 दिन से स्कूल वगैरह भी नहीं गई थी और बस ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने कहा ऐसे तो टाइम मतलब काम नहीं चलेगा तो क्या करेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है चीनी थोड़ी सी बिखर गई थी उसको समेट लिया है और यहाँ भरने के लिए रखी है चाय और चीनी। अब इसमें डाल देती हूँ पत्ती और दूध भी डाल दूँगी साथ साथ, फिर जो है आराम से पकेगी सही मतलब चाय। और क्योंकि अच्छे से पकी हुई चाय नहीं होती है ना, खोली हुई चाय नहीं होती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी कारण जो है मैं इसको अच्छे से पका रही थी। काली मिर्च को भी अच्छे से पका लो तो ज़्यादा अच्छा मतलब टेस्ट उसका आता है। तो दोस्तों बस कई दिनों से जो है खाने पीने का भी ऐसे ही हो रहा है, कभी दिन में बना रही हूँ तो कभी रात में नहीं बना रही हूँ। और क्योंकि बेटा साथ में है, अगर बेटा साथ में नहीं होता ना यहाँ पे तो बस खाने की छुट्टी ही थी समझो। और बस अब कल रात को भी कई दिनों में मैंने मूँग की दाल की खिचड़ी बनाई थी तो उससे थोड़ा सा आराम लगा था कि हल्का खाना था, और क्योंकि खाना खाने की इच्छा ही बिल्कुल नहीं हो रही है। और यहाँ पे बनके तैयार हो रही है चाय और फिर देखती हूँ चाय पीने के बाद क्या होगा। तो मैंने कहा चलो खाली पेट की दवाई ही खा लेती हूँ, तो मैं यहाँ से कमरे में से दवाई ले आई थी और यहाँ पानी मैंने भर के रखा था अपने कप में और मैंने खा ली है सुबह खाली पेट की दवाई। और अब चाय वगैरह लेके चलती हूँ। अब दिन में मन करेगा तो खाना बनाऊँगी, नहीं तो फिर छुट्टी, क्योंकि बेटा रात भर पढ़ता है और फिर वो दिन में कुछ खाता वगैरह नहीं है, सुबह नाश्ता वास्ता करके जो भी उससे खाना होता है वो खा के सो जाता है और उसके बाद पूरे दिन भर मतलब वो सोता है। तो उसके लिए खाने की कोई चिंता नहीं होती दिन में, लेकिन रात में तो चाहिए ही होता है। तो मैं भी देखूँगी अगर मेरा मन करेगा तो बनाऊँगी, क्योंकि जब भूख लगती है तो हम लोग बनाते ही हैं खाना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भूख ही नहीं लगती है तो फिर क्या करें। बस ऐसे ही चल रहा था मेरा 1-2 दिन से हाल। आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी, मतलब बना ही नहीं पा रही थी तो डालती क्या। और इसीलिए जो पुरानी मेरे पास रखी हुई वीडियो थी वही मैं डाल रही थी। बस यहाँ छान ली है मैंने चाय और बस पीती हूँ चाय और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड अब रात का टाइम हो गया था, वहाँ आज यहाँ हमारे कॉलोनी में ही शादी है तो सभी लोग वहाँ पर गए हुए हैं, मुझे बस अपने लिए और बेटे के लिए ही खाना बनाना था। और घर में हम लोग नहीं गए शादी में क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बेटे ने भी कहा कि मैं भी जाऊँगा,
तो मैंने कहा चलो आज मैं दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी खाना मुझे पसंद नहीं है। कल रात तो खा ली थी और अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि भूखी थी मैं कई दिन, एक दो दिन से, तो अच्छी भी लग रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेती हूँ, तो मैंने रख दिया है कुकर गर्म करने के लिए। वहाँ मैंने दाल भी भिगो दी है और चावल भी भिगो दिए हैं, और इसमें सिर्फ दो टमाटर काटे हैं, कोई प्याज व्याज कुछ नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खड़ी होने में भी मतलब मुझे परेशानी हो ही रही थी, और इसीलिए जो है मैंने कहा दाल चावल रख देती हूँ बनने के लिए, उसके बाद देखा जाएगा। और बस इसमें डाल दिया है मैंने तेल, और इसमें डाल दूँगी जीरा, जो भी मुझे डालना है, जीरा हो गया और तेज़पत्ता वगैरह डाल दूँगी, और इसमें डाल दूँगी बस टमाटर। बस इसी तरीके से आज मैं दाल बनाने वाली हूँ। और जो चावल है ना वो मैं फसवा ही बनाती हूँ ज़्यादातर करके, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है वैसे चावल से, और फिर डॉक्टर भी बोलते हैं कि फसवा चावल खाने से जो है फिर प्रॉब्लम नहीं होती। बस देखिए मैंने दाल में डाल दिया है जीरा और तेज़पत्ता, और थोड़े से खड़े मसाले डाल देती हूँ तो अच्छा सा लगता है ज़रा टेस्ट सा। और ये डाल दिया मैंने इसमें जल्दी ही टमाटर, क्योंकि फिर जीरा जलने लगता है, और इधर चावल बन जाएंगे। दाल भी ज़्यादा देर लगती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी में बहुत अच्छी सी दाल बन जाती है। और चावल भी मतलब खुले रख दिए हैं, मतलब बनने के लिए पतीले में रखे हैं, तो आराम से बन जाएंगे, कोई ज़्यादा मतलब ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है, खाना बनाने का जो है बन जाएगा। बस इसी तरीके से आज बना रही हूँ मैं खाना, तो देखिएगा आप लोग कैसे मैं बना रही हूँ खाने को, क्योंकि सब कई चीज़ें मतलब इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दी है। तो फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि ना मैंने आज जो है पूरा वीडियो बनाने के बाद, अब तो बाद में एडिटिंग कर रही हूँ मैं, खाना बनाने के बाद आप लोगों को दिखाना ही मेरे को दिमाग में नहीं आया, बिल्कुल भी भूल गई मैं ऐसा। तो देखिए बन रही है दाल, तो फ्रेंड्स बस दाल मैंने छौंक दी है, और अब इसमें पानी रखना रह गया है। बस जैसे ही हींग का ढक्कन लगा रही थी वो भी गिर गया, और बस इसका ढक्कन लगा लेती हूँ, दाल में डाल देती हूँ पानी, और बस मेरा खाने का काम यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बस चावल बनते रहेंगे, दाल में 2 सीटी आने के बाद बंद कर दूँगी इसे, दाल भी बन जाती है और बन जाएगी, और यहाँ पर चावल भी तैयार हो जाएंगे। बस चावलों में से पानी निकालना रह जाएगा, तो वो भी अब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी एकदम तो होने के नहीं है, क्योंकि ये वाला चूल्हा मेरा बहुत कम जलता है, तो बहुत धीरे धीरे इसमें खाना बनता है। और यहाँ कुकर में लगा देती हूँ अब मैं, क्या कहते हैं, ढक्कन, और ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी के बाद इसे बंद कर देती हूँ, तो फिर इतना चक्कर भी नहीं रहने का इसे बार बार देखने का। और कुछ मेरी आदत आप लोगों ने नोटिस भी की होगी कि जब तक यहाँ पर मैं खड़ी होती हूँ या मैं खाना बना रही होती हूँ, तो जो भी आसपास चीज़ें वगैरह होती हैं, जितना मतलब फैली हुई चीज़ें होती हैं, वो मुझे समेटने की आदत है। और आज ऐसी कंडीशन में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फैला हुआ है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो जो आदत होती है ना वो बदलती नहीं है, सभी को पता है इस बारे में। और तो फिर कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आपको, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ नए मेरे जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हैं नए लोग, वो प्लीज़ मेरा उनसे अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक वॉच करने की कोशिश करें। आप लोगों के ही सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो बिल्कुल मैं आप लोगों का आभार नहीं भूल सकती नहीं, तो बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें, मुझसे भी जितना हो सकेगा बन पड़ेगा, मैं आप सभी लोगों का सहयोग करूंगी और आप लोगों को सपोर्ट करूंगी। तो करते हैं फिर आज के ब्लॉग का एंड, और क्योंकि खाना बना के आपको दिखाना तो मैं वैसे ही भूल गई, तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड।